अपने को पहले से पता होता तो फिर हम तो नहीं आते। सच्ची में बोल रहा हूँ गाइस, हम तो नहीं आते। ओहो, अरे भाई बहुत ठंड लग रहा है। अरे सिंगल पीस में घर पहुंचना है। इतना मशक्कत के बाद ये रहा जो ज़्यादा मिलता है। तुम तक चटनी, पोक इंटेस्टाइन, आलू भाजा। फाइनली बाहर आ चुके हैं, अभी चलते हैं दूसरा डेस्टिनेशन की ओर। नहाने के लिए सोच ही रहा था कि गमछा भूल गए, कि जल्दी जल्दी में सब कुछ याद रखना मुमकिन नहीं है ना। मैं सोच रहा था कि एक ब्लॉग अपने ओन लैंग्वेज से बनाऊं, बस बनाने का मन कर रहा है। पता नहीं अपने ओन लैंग्वेज में एक बार भी करके नहीं देखा, मतलब कि ब्लॉग बना के आप लोगों को कंटेंट देना मेरा काम है और बाकी आप लोगों का काम है प्यार बरसाना। लो जी, सब लोगों का पार्क हो चुका है, अभी चलते हैं इधर साइड। ओपनिंग कब से होता है और क्लोजिंग कब होता है, और ये रहा प्राइस वगैरह। एडल्ट के लिए 50 और बच्चे लोगों के लिए 20। यदि वीडियो कैमरा वगैरह अलग से लाए तो उसके लिए 1000 चार्ज लगेगा। और देखिए कैसा है रास्ता वगैरह, ऐसा है ज़्यादा दूर होगा ना कि पता नहीं। वैसे अचानक से ज़्यादा धूप आ रहा है और अचानक से ठंड हो रहा है, ऐसे तो बीमार ना हो जाऊँ, बस यही चिंता है अपने को। तो हम तो धीरे धीरे ही जाएंगे ताकि इस रास्ते का मज़ा भरपूर ले पाए। वो अभी से हालत पतली हो चुकी है, क्योंकि एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखिए वहाँ तक, और हम इधर तक ही है अभी भी। उधर से इधर तक आ चुके हैं। ये जगह तो मेरे लिए पहली बार है, फिर से नया जगह। थोड़ी और पतला होने देते हैं ये धूप को और उसके बाद दिखाते हैं आगे का रास्ता। फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये देखिए जो आए थे जगह रेस्ट लेने के लिए ये। और अभी इतना ज़्यादा धूप नहीं है, फिर से आप लोग को दिखा देता हूँ। यदि आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ लीजिए। जाने के टाइम तो ठीक ठाक ही है, आने के टाइम पे अपनी तो फटने वाली है। अभी देखिए वो इतना नीचे, उफ बाप रे, उधर तक जाना है रे। अपना पैर इधर से फिसला तो फिर किधर भी स्टॉप नहीं होगा, डायरेक्ट नीचे में जाके गिरेगा। देखिए रास्ता कुछ ऐसा है, अपने को पहले से पता होता तो फिर हम तो नहीं आते। सच्ची में बोल रहा हूँ गाइस, हम तो नहीं आते। ओहो बाप रे। से अभी के लिए तो ऐसा मौसम, तो देखो धूप है ना, तो नहा के जाना तो बनता है, लेकिन क्या करें, अपना एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं लाए, फिर भी देखते हैं जुगाड़ करके नहा भी सकते हैं यदि हमें ठान लिया तो। ये देखिए पहुंचने से पहले, यदि आप लोग नहाने का शौकीन हो ऐसे जगहों में तो यस आ जाइए एक्स्ट्रा कपड़ा लेके। और हाँ, इधर भी जाने का रास्ता है, फिलहाल हम लोग नीचे जा रहे हैं इधर साइड से ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा व्यू मिले। चलिए हम भी नीचे जाते हैं। तो ये रहा देखने के लिए कुछ ऐसा है, अभी आ गए हैं तो सिनेमैटिक चेक करें आप लोग। अपना भाई एक्स्ट्रा तो नहीं लाया है लेकिन जंप मारने वाले हैं, ये देखिए। 1 2 3
लॉम नहीं गिरे, क्लिक बेट दिखली नहीं खेती ना, डूब गया। फाइनली नहा के ऊपर आ चुके हैं, कपड़ा भी बदल दिया है। वैसे एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं लाए, बॉक्सर से नहाया और रख दिया अंदर। अभी चलिए इसको कहते हैं बाय बाय, अभी ऊपर चलते हैं, वहाँ ऊपर में यहाँ में। और ये देखिए स्टेप, अभी आप लोग देख के मज़ा लीजिए, थोड़ा ऊपर से आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है नज़ारा। ये रहा कुछ ऐसा है, उस साइड भी देखेंगे और उसके बाद सीधा जादव खाने जाते हैं। अभी इधर दूसरा साइड आने के टाइम पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये वही रास्ता है। अभी वाह रे, अपनी तो फटी पड़ी है, सच्चाई ब्लॉक है, सच्चाई ब्लॉक है ये। अभी ये देखिए ऊपर से कैसा लगता है, आई मीन दूसरा साइड से। ये रहा नीचे का नज़ारा। अभी यहाँ तो अलग ही मज़ा है रे, अरे लेकिन नहाने में जो मज़ा है नीचे में वो अलग है गाइस। ये रहा ऊपर से ऐसा कुछ है, वाटरफॉल कुछ ऐसा है यहाँ का। और अभी थोड़ा पास जाके आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ तक है तो, अभी चलिए बस इतना ही आज के लिए। ओ हो मजा लो तो मुझे। ये लो जी बाहर आ गए हैं। कैमरा बैटरी ले तेन के साथ बताओ नहीं रहा क्रॉस। ओहो अभी लग रहा है बारिश आएगा, क्योंकि देखो मौसम ठंडा हो चुका है और ऊपर से फॉग भी जमने लग गया है। देखो सब जगह आप लोग को कैमरे में दिखाई दे रहा है कि पता नहीं, लेकिन अपने को तो दिखाई दे रहा है सब जगह 0 किलोमीटर। ये कैसा मजाक। अरे बाप रे बाप, बारिश आना शुरू हो चुका है रे। खाना पति तो था क्या है, पराव था नहीं इंदे, पराव हाँ नहीं फो। अरे बाप रे, जैसा कि आने के टाइम मैंने बोला था बारिश आ भी सकता है, लेकिन अभी देखो आ ही गया। अभी क्या करें, नाचे। One hour later. भाई साहब
रेनकोट भी लाना भूल गया ऐसे टाइमों में। मैंने सोचा था कि जल्दी देखेंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन किसको पता था कि ऐसा हाल होगा। नेक्स्ट टाइम से आपका भाई रेनकोट लाना नहीं भूलेगा। और हाँ, अभी रेनी सीजन का महीना है, कभी भी बारिश आ सकता है। आपके भाई के साथ हुआ है, आपके साथ ना हो, रेनकोट हर वक्त लेके ट्रैवल कीजिएगा। फिलहाल अपनी तो फटी पड़ी है और ऊपर से मैंने नहाया भी है वहाँ पर। कुछ लोग बोलेंगे कि इतना ही ठंड लग रहा है तो फिर ब्लॉग क्यों कर रहे हो। अरे भाई, सच्चाई ब्लॉग है, आप लोगों को भी दिखाना था आपका भाई कितना मुश्किलों से गुजार कर आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता है। आप लोगों को बारिश दिखाई दे रहा है कि पता नहीं, ये छोटे छोटे बारिश ना। फाइनली मेन रोड पे पहुंच आए, बारिश आके ऑलरेडी रुक चुका है। कुछ लोग बोलते हैं बारिश के टाइमों में मोटो ब्लॉग बनाना बहुत आसान है और नज़ारा भी बहुत शानदार है। अरे भाई, शानदार है, लेकिन गीला कपड़ा लेके आप मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए निकल जाओगे ना, पता लगेगा कि कितना ठंड है। अरे भाई, बहुत ठंड लग रहा है। अरे, सिंगल पीस में घर पहुंचना है, ऑलरेडी 4 बजने वाला है। हम दोनों बहुत आगे चले आए और पीछे रह गए अपना भाई लोग और दीदी भी पीछे रह गया। हम दोनों ने डिसाइड किया जिधर जादव मिले वहाँ पर रुक जाते हैं, पूछ के देखते हैं इधर जादव है कि नहीं। नहीं है भाई, जरूर नहीं है, सामने लगा देते हैं। इसका चुंचा थी था नहीं दे हाँ बोला मैं जाऊँ भाई चिंखिन में। अभी बाहर आ गए। इतना मशक्कत के बाद ये रहा जो जादव मिलता है। अभी एक मैंने बोला थोड़ा गर्म करने वाले हैं तो गर्म करके हम लोग भी खाएंगे। ये रहा, सब लोग आ चुके हैं, अभी हम भी कुछ खा लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और हाँ, जादव आने के बाद आप लोग को दिखाएंगे कैसा है। ये रहा, फाइनली आ चुका है, इतना मशक्कत के बाद खाने को मिला है अभी। ये रहा जडॉक भाई, जडॉक कैसा लग गया? अच्छा बुक मांग हाँ, तुम तक चटनी, पोक इंटेस्टाइन, आलू भाजा और ये क्या कहते हैं मांग हाँ बोला ए मिक्स वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल ब्लैक मा कुठाला अबन नो बा ए सॉरी बोला सर्वे ओके हां जो सलाद जैसा तो चलिए फटाफट फटाफट हम लोग भी खा के निकलते हैं। और ये रहा देखिए, इधर भी अभी एक और प्लेट नहीं आया है तो इधर शुरू हो चुका है। ये रहा ज्यादा नहीं तो नहीं ब्रो, बहुत मजेदार है। कैसा है भैया? बहुत मजेदार, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए हम भी खा लेते हैं अपना और खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं बाहर जाते समय। खाना वाना हो चुका है तो अभी चलते हैं। तो खुबलाई मा पा खुबलाई खुबलाई तो
अभी आप लोग को लग रहा होगा कि खुबले का मतलब क्या है, खुबले का मतलब है थैंक यू। तो यही है, अभी चलते हैं अपने घर की ओर। यही तक है, इस ब्लॉग को यहाँ पर ही अंत करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।